नमस्कार। आज TTC एंड LRDC द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग के श्रृंखला पे अपन नेक्स्ट यूनिट जो है अपने सब्जेक्ट CS 3001 का बोलेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है अपना वो है रिकर्शन। क्या होता है रिकर्शन? रिकर्शन का मतलब है जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करता है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर अपन वापस उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट कहलाता है रिकर्शन। ठीक है, अब रिकर्शन क्या है? जैसे अपन समझते हैं, मेन भी एक फंक्शन है अपना, है ना, वॉइड मेन। ठीक है, अब तक अपन ये लिखते आए थे, इससे ऊपर अपन को क्या लिखना होगा? हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा printf hello semicolon, और इसमें मैंने वापस यहाँ पे मेन फंक्शन है अपना, इसके अंदर मैंने वापस किसको कॉल कर लिया? मेन को कॉल कर लिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा मुझे बताएंगे? देखिए, मेन है, मेन के अंदर वापस मेन पहले यहाँ से घुसा, ये स्टेटमेंट इसने हेलो लिखा और वापस ये किसके पास आया? मेन के पास। मेन वापस यहीं आ जाएगा, वापस ये स्टेप्स फॉलो करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ये चलता रहेगा। ये जो लूपिंग है वो कब खत्म होगी? इधर स्टैक ओवरफ्लो होने पर ख़त्म होगी, या हम फोर्स इसको प्रोग्राम को बंद करेंगे तब ये जो लूपिंग है ये ख़त्म होगी। ठीक है, ये जो ये रिकर्शन का एक एग्जांपल है, बट ये जो एग्जांपल है ना ये अपने कहीं काम नहीं आ रहा कि भाई हम रिकर्शन कर क्यों रहे, व्हाई वी आर कॉलिंग मेन फंक्शन इटसेल्फ इन इट, है ना, हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में कोई ज़रूरत नहीं है, पर कई बार अपन को ऐसे फंक्शंस बनाने होते हैं जिसमें हमको उसी फंक्शन को दोबारा काम में लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या काम में लेते हैं? रिकर्शन। रिकर्शन एक कंसेप्ट पे काम करता है, वो होता है स्टैक। स्टैक क्या होती है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक तरीका है। इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टैक क्या होती है ये समझिए। इसमें दो तरह के ऑपरेशन अपन कर सकते हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है स्टैक के अंदर किसी एलिमेंट को डालना, पॉप का मतलब होता है जो भी उस स्टैक के अंदर एलिमेंट है उनको बाहर निकालना, उनको निकालना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉपिंग। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या अर्थ है? लास्ट इन फर्स्ट आउट का अर्थ है कि जो हमारी स्टैक होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। मान लीजिए अगर मैंने पहले इसमें 1 डाला, फिर 2, फिर 3, ये 4, मैंने आखिर में क्या डाला है? इसमें 4। जब निकलेगा तो अपन इसको कहीं से भी नहीं निकाल सकते। जो सबसे ऊपर पड़ी है वैल्यू, या जो भी डेटा अपन ने सबसे ऊपर एंटर किया है, सबसे लास्ट में एंटर किया है, वो पहले पॉप होगा। पॉप करोगे तो बाहर क्या आएगा? 4। ये 4 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 4 बाहर आने के बाद हम यहाँ पॉप करेंगे तो फिर बाहर क्या आएगा? 3, क्योंकि ये 4 तो क्या हो गया, ऐसे हट गया, तो नेक्स्ट पॉप में क्या बाहर आएगा? 3। 3 के बाद 3 हट जाएगा, 2, 1, और फिर मेरे पास क्या बच जाएगी? एम्प्टी स्टैक। ठीक है, तो ये जो स्टैक है ये इस कंसेप्ट पे काम करती है कि जो भी डेटा अपन ने सबसे आखिर में स्टैक में डाला है वो डाटा सबसे पहले पॉप होता है, सबसे पहले बाहर निकलता है। जब भी हम कोई फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं, अपन देखेंगे जब अपन एग्जांपल देखेंगे रिकर्शन का, कि किस प्रकार से डेटा स्टैक में जाएगा और किस प्रकार से वो पॉप होगा। ठीक है, तो जो भी डाटा हम लास्ट में स्टैक के अंदर डालेंगे वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो उस फंक्शन को अपन जितनी बार कॉल कर रहे ना, जैसे पहला कॉल हुआ तो उसका डेटा किस में चला गया? स्टैक के अंदर चला गया। अब जितनी बार फंक्शन कॉल होगा
जब तक वो फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाता, उसका डेटा किस में चल जाता रहेगा, स्टैक के अंदर पुश होता रहेगा। पुश मतलब स्टैक के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते रहेंगे। सो रिकर्शन पॉसिबल है बिकॉज हमारे पास स्टैक होता है, हम स्टैक से रिकर्शन को काम में ले सकते हैं। रिकर्शन का मतलब क्या है? साधारण सा मतलब, जब एक फंक्शन स्वयं को खुद ही में कॉल करे तो हम उस चीज को क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज इंट्रोडक्शन टू रिकर्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें रिकर्शन काम में आ रहा है। थैंक यू।